हाय, माय नेम इज रमन। वेलकम टू ऑर्बिट सोलर यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है जीरो एक्सपोर्ट। तो अभी सोलर इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कुछ स्टेट्स के अंदर। वी आर नॉट एबल टू गो विद द नेट मीटरिंग। सो नेट मीटरिंग पॉलिसी वहाँ पे नहीं है। तो उस केस में अगर कोई सोलर प्लांट लगाना चाहता है तो उसको जीरो एक्सपोर्ट के साथ उस प्लांट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले समझेंगे जीरो एक्सपोर्ट क्या होता है, फिर देखेंगे कि जीरो एक्सपोर्ट के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जीरो एक्सपोर्ट क्या होता है। जीरो एक्सपोर्ट, जैसे इसका नाम है जीरो एक्सपोर्ट, यानी कि हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी सोलर से हम जनरेट कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको ग्रिड में नहीं दे सकते। तो अब ऑप्शन आता है कि हम सोलर से उतना ही जनरेट कर सकते हैं जितना मेरा रनिंग लोड है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैन्युफैक्चरर, सोलर के जो भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने एक डिवाइस बनाया हुआ है जो उनके इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल होता है। या आप अगर किसी थर्ड पार्टी सॉल्यूशन पे भी जाना चाहते हो, कोई बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि उस जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को लगाने के बाद हम इन्वर्टर्स में ऐसा प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि मेरे इन्वर्टर से जो भी जनरेट होगा वो हमारे लोड को 100% फुलफिल करेगा। हमारा लोड जो भी रनिंग लोड होगा उससे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हमारे सोलर से जनरेट नहीं होगी। सो एक छोटा सा SLD है, ये सोलर इसका SLD है, तो इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो ये जो मीटर है, दिस इज कॉल्ड अवर जीरो एक्सपोर्ट मीटर। इस मीटर के अंदर हम ऐसे फीचर्स इसको इनेबल कर सकते हैं कि मेरा जो भी लोड होगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो भी मेरा लोड चल रहा होगा, उस लोड के अकॉर्डिंग सोलर प्लांट से जनरेशन हम कर सकेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे SLD को समझने से पहले हम देखते हैं कि ये हमारा सोलर प्लांट में लगा हुआ मेरा सोलर पैनल है। सोलर पैनल्स में, क्योंकि ये सोलर इज टेक्नोलॉजी है, तो इसमें इसके ऑप्टिमाइजर्स होते हैं। सो पैनल्स हमारे ऑप्टिमाइजर से कनेक्टेड होते हैं एंड ऑप्टिमाइजर आपस में कनेक्टेड होकर हमारे इन्वर्टर्स को जाता है। अब इन्वर्टर का जो AC आउटपुट होता है वो हमारे कहाँ पे जाएगा, LT पैनल पे जाएगा, या हम कह सकते हैं कि सीधे घरों में जो भी हमारा लोड चल रहा होगा उसमें जाएगा। अब मान लेता हूँ कि ये किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल्ड है जहाँ पे हमारे पास नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं है, हम एक्सेस एनर्जी इवन जनरेट कर भी लें बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड कि हम ग्रिड को नहीं दे सकते। उस केस में क्या होगा कि हमें उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी बनानी है जितना कि जो मेरे लोड के लिए सफिशियंट हो। सो इस केस में क्या होगा कि हमने ये जीरो एक्सपोर्ट का मीटर लगाया हुआ है, इसके इस जीरो एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर हमें लगाना होता है, CT लगाना होता है। वो CT क्या सेंस करता है कि किस इंस्टेंट पे मेरा कितना लोड है, दिस इज अवर लोड। अगर मैं ये मानता हूँ कि मेरा 5 kW का सिस्टम है और सिंपल मेरे को जीरो एक्सपोर्ट के साथ जाना है, तो मेरा जो भी लोड होगा, लेट से अगर किसी इंस्टेंट पे मेरा ये 2 kW का लोड है, तो ये डिवाइस मेरे इन्वर्टर को ये बताएगा कि इस टाइम पे 2 kW का लोड है, माय इन्वर्टर विल जनरेट ओनली 2 kW। तो ये क्या करेगा, सोलर प्लांट से होने वाली जनरेशन जो है उसको ड्रॉप कर देगा। और एक अगर दूसरा मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ कि किसी इंस्टेंट पे मेरा लोड की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू माई इन्वर्टर, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 kW का मेरा इन्वर्टर है, किसी इंस्टेंट पे मेरा ये लोड 6 kW या 7 kW हो जाता है, देन माई जीरो एक्सपोर्ट मीटर विल इंस्ट्रक्ट टू माई इन्वर्टर। ये मेरे इन्वर्टर को ये बताएगा कि अभी जो लोड है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है एंड लोड की वैल्यू 7 kW है। उस केस में क्या होगा, मेरा इन्वर्टर 5 kW का जो है वो 100% के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। उस टाइम पे मेरा जो सोलर प्लांट होगा वो पूरा का पूरा एनर्जी जो वो डिलीवर कर सकता है वो डिलीवर करेगा। सो बेसिकली इस मीटर को लगाने से क्या होता है, ये मीटर हमारे लोड और सोलर से होने वाले जनरेशन को कभी भी एक्सेस नहीं होने देता है। वो कंडीशन कभी नहीं आती है कि एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे ग्रिड को फीड हो। दिस इज कॉल्ड जीरो एक्सपोर्ट। ये हमारे जीरो एक्सपोर्ट का एक बेसिक छोटा सा मैंने आपको फंक्शन बताया कैसे काम करता है। और किसी को और ज्यादा समझना है देन वी विल मेक अनदर वीडियो वेयर वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कैसे कैसे चीजें होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।